जीडीपी को लेकर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है। तो बीजेपी पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा, वादों को याद दिलाते हुए ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने कि वादा तेरा वादा, 2 करोड़ रोजगार हर साल, फसल का 2 गुना दाम, अच्छे दिन आएंगे, मेक इन इंडिया होगा। तो ये तमाम बातों का जिक्र करते हुए सीधे बीजेपी पर निशाना प्रियंका गांधी ने साधा है। अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन होगी, क्या किसी वादे पर हिसाब मिलेगा? आज जीडीपी ग्रोथ 4.5% आई है, जो दिखाता है सारे वादे झूठ हैं। तो लगातार ट्विटर हैंडल के जरिए केंद्र सरकार बीजेपी पर हमला, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी बोलती रहती हैं। और एक बार फिर से जिस तरह से 4.5 जीडीपी दर सामने आई है, जो देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, उसी बीच जब इस ट्वीट के जरिए सीधे बीजेपी पर निशाना साधा कि वादा तेरा वादा, तो जो तमाम वादे किए गए थे उसका हिसाब मांगते हुए इस ट्वीट के जरिए 2 करोड़ रोजगार हर साल, फसल का 2 गुना दाम और 5 ट्रिलियन जो बात कही गई थी कि अच्छे दिन आएंगे, मेक इन इंडिया होगा, आखिर ये तमाम वादे कहां गए? और आज जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था 4.5% पर है, इससे साफ हो जाता है कि तमाम जो वादे किए गए थे वो झूठे हैं। तो क्या किसी वादे पर हिसाब मिलेगा? प्रियंका गांधी ने ये सवाल सीधे तौर पर केंद्र सरकार बीजेपी पर दागा है। तो अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन होगी, ये पीएम मोदी की तरफ से अपने दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के दौरान कहा था, और अब कहीं ना कहीं ये संकल्प, ये एजेंडा, ये टारगेट दूर होता दिख रहा है।